आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। गुमला जिले के ब्लॉक परिसर में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष सह प्रदेश के उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। आयोजित बैठक में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ ने अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर गुमला पहुंचे। जिले के सभी प्रखंड से आए रसोईया व संयोजिका ने बैठक में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। वहीं रसोईया संयोजिका संघ ने अपनी मांग को जायज बताया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में रसोईया संयोजिका बैठक में शामिल थे। वहीं रसोईया संयोजिका संघ अपनी विभिन्न मांग को लेकर नारेबाजी की, अपनी मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बनाते हुए पूरे जिले में सदस्यता अभियान चलाया और सदस्यता अभियान चलाकर एकजुट कर रसोईया संयोजिका के बैनर में शामिल किया। वहीं विभिन्न मांग को जायज बताते हुए संघ ने सरकार को भी चेतावनी दी है कि इस दौरान आंदोलनकारी रसोईया संयोजिका संघ ने मीडिया को बताया है और कहा है कि यह हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। बताया कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ आंदोलन करेगी। साथ ही कहा कि राजभवन का घेराव करने की बात कही है। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। रोजगार के जगह में अगर सरकार हमें रोजगार नहीं देगी तो हम बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे जी। जो स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं, काम से अगर हम लोग हटा दिया जाएगा तो हमको कहीं जीने का कोई रास्ता नहीं है, हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके जगह में हम लोग दूसरा कदम उठा सकते हैं। माने अगली कदम आपकी क्या होगी यदि सरकार अगली आपकी कदम सोचा? हम लोग लास्ट में मजबूरन रोड पर उतरना होगा, उसमें भी नहीं होगा तो हम लोग को नक्सली का रूप धारण करना पड़ेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? जिला स्तरीय आज बैठक रखे हैं, प्रदेश कमेटी का बैठक के बाद जो फैसला लिए हैं प्रदेश कमेटी उसी के आलोक में आज हम लोग जिला कमेटी का बैठक रखे हैं। तो ये बैठक के माध्यम से हम लोग राज्य स्तरीय अभी शीतकालीन सत्र में हम लोग रांची में प्रदर्शन करेंगे और अभी हम लोग जिला में भी डीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। कहे कि हम उस दिन सभी बीओ को, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लोग को, सभी को बैठक बुलाए थे। तो जितने भी मर्ज किए गए विद्यालय के रसोईया लोग को रखने के लिए ऊपर से लेटर आया है, लेकिन उसके माध्यम से हमारे रसोईया लोग को नहीं रखा जा रहा है। बच्चा का बात किया जा रहा है कि अगर पहले से ही इतना कम बच्चा है तो वहाँ रसोईया इतना कम बच्चा में रसोईया फिर से जाएगी तो वहाँ ज्यादा रसोईया हो जाएंगे तो वहाँ कैसे काम करेंगे, इस टाइप का बोल रहे थे। तो हम कहना चाहते हैं वही स्कूल में 40 बच्चा को चार शिक्षक पढ़ा सकते हैं तो 40 बच्चा को दो रसोईया नहीं बना खिला सकते हैं क्या? प्रमुख मांग है अभी कि जितने भी हटाए गए रसोईया लोग को वापस रखा जाए और जितने भी मर्ज किए गए विद्यालय के रसोईया लोग को वापस दूसरे विद्यालय में भेजा जाए और उसका मानदेय भी भेजा जाए। अगर प्रशासन नहीं मानती है हमारी बात को तो हम लोग धरना आंदोलन करेंगे, डीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे या तालाबंदी करेंगे। प्रदेश कमेटी के फैसला के आलोक में ये वर्तमान जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन का जो सरकार है, उनसे हम लोग ढेर सारा उम्मीद रखे, क्योंकि उनको हम लोग सरकार में इसीलिए लाए। रघुवर दास हमारी मांग को अनसुना कर रहे थे तो उनको हम लोग लाए। उन्होंने कहे थे सरकार से आने से पहले कि आपकी जो भी मांगे हैं आप सरकार को लाइए, हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, निश्चिंत पूरा करें। जब सरकार अब में आए और उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया उसके बाद हम लोग मिले, उन्होंने कहे कि आपको हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जो आपके मांगे हैं मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, निश्चिंत। लेकिन इस विभाग में दो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, एक पारा शिक्षक लड़ाई लड़ रहे थे, एक रसोईया संयोजिका अध्यक्ष हम लोग लड़ रहे थे। हमारी 1500 मांग है, उसमें सबसे खास बात यह है कि जो रसोईया संयोजिका जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनका 60 साल तक काम करने का अधिकार हो, उनका न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा जाना चाहिए, उनको मजदूर घोषित किया जाना चाहिए और तमाम सरकारी सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। साल में तय कर रहे हैं कि जो मानसून जो शीतकालीन जो सत्र होगा राज्य सरकार के, उस सत्र काल में हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। सत्र जब तक चलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। हमारी मांग हासिल होगा ये पूरी उम्मीद है। आप डीएससी के सामने भी ये बात हम कहना चाह रहे हैं कि डीएससी को ये मालूम है कि विद्यालय में ही
रसोईया संयोजिका को भेजना था, लेकिन सभी जिला में हो गया, इस जिला में दो तीन प्रखंड में नहीं किए। अब जो लगातार दबाव बढ़ाने के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि इन लोग को जो हटा दे, मर्च किया गया उसको हटा देना है। ये डीएससी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि इनको अगर हटाने की आप सोच रहे हैं तो गलत है। उनके डीएससी कार्यालय के समक्ष हम लोग विराट प्रदर्शन करेंगे, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ेंगे और उनको हटाने नहीं देंगे, किसी कीमत पर हटाने नहीं देंगे। हम लोग उनको बहाल करा करके रहेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।